बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम बहुत चटपटी डिश कलेजी तवा फ्राई ये आपको दिखा रहे हैं, और इसके लिए जिन अज़ा की ज़रूरत होगी वो भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो हमने ली है यहाँ पर 250 ग्राम यानी पाव किलो कलेजी है, ये फ्रेश कलेजी है। इसके छोटे पीसेस हमने कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, इस तरह से किए हुए हैं। दो दरमियानी साइज की प्याज है, इसको ऑमलेट कट हमने कट कर लिया है। हरा धनिया है, इसे भी बारीक काट लिया है, ज़्यादा कम आप ले सकते हो। पुदीना है, इसे भी बारीक काट लिया है। और ये तीन हरे मिर्चें हैं, इसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। सूखे मसालों में, पाउडर मसालों में हमारे पास है यहाँ पर धनिया पाउडर, ये जो है 1 टेबल स्पून है। हल्दी 1 टी स्पून है। ये हमारे पास मिक्स कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी 1 टेबल स्पून है। ये मिक्स मसाला है, 1 टी स्पून लिया है हमने। ये गरम मसाला है होममेड, ये भी 1 टी स्पून लिया है। ये दरदरी पीसी हुई काली मिर्च है, ये भी हमने 1 टी स्पून लिया। अदरक लहसुन की पेस्ट ली हमने तकरीबन 1.5 चम्मच, 1.5 टेबल स्पून के करीब। और ये दही है, दही का भी हमने पानी निकाल लिया है, और ये भी 2 चम्मच के करीब है, इसका यूज़ होगा। नमक जो है हम बाद में यूज़ करेंगे। कभी भी आप कलेजी बनाओ तो ये याद रखना है कि कलेजी में शुरू में नमक नहीं पड़ता है। जब आपकी गैस की फ्लेम ऑफ करने का वक्त हो, या जब आपका पूरा जो है सालन तैयार हो जाए, या जो आप बना रहे हो कलेजी का मसाला भूना जो भी बना रहे हो वो रेडी हो जाए, फाइनल होने के बाद में आपको नमक डालना है, एक बार अच्छे से मिक्स करना है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आपने पका दिया उसको तो उससे सख्त हो जाती है कलेजी और खाने में मज़ा नहीं आता। और दूसरी बात ये कि कलेजी जब भी लाओ तो आप उसको फ्रेश बनाओ। अगर आपने फ्रिज में रख दिया उसको तो उसके बाद में ना उसमें खाने में मज़ा आता है और ना वो अच्छी तरह से गलती है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। और कलेजी को बहुत देर तक नहीं पकाना है, गलने के लिए छोड़ दिया या पकने के लिए रख दिया तो सख्त होती है। पहले शुरू में 10 मिनट में वो सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद में धीरे धीरे वो हार्ड होना शुरू होती है। तो कलेजी भी आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 10 मिनट या 15 मिनट, उससे ज़्यादा आपको कलेजी को नहीं पकाना है। तब हम तवे पे बना रहे हैं और ये बहुत जल्दी बन जाएगी हमारी, ये 15 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तभी एक लोहे का हमने मोटा सा तवा लिया है और उसके ऊपर ही हम ये डिश को तैयार करेंगे। तो अब आपको बताते हैं तवे पे तेल डालने के बाद। नाज़रीन, ये तवा हमारा गर्म हो गया है, इस पर हमने 3 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। ये कुकिंग ऑयल है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्याज डालेंगे। इसमें लहर मार देंगे, ये सारी प्याज हम डाल देते हैं। अब क्या करना है कि हमको थोड़ी प्याज इसमें से निकाल लेना है, पूरी प्याज हम इसमें नहीं पकाएंगे, थोड़ी प्याज हम क्या करेंगे इसमें से निकाल लेंगे। सिर्फ उसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए हमको तवे पे डालना पड़ा, हम उसमें से निकाल लेंगे और फिर बाद में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा कच्चा उसका ख़त्म हो जाए कच्चापन, उसके बाद में हम निकाल दें। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और प्याज को बहुत लाल भी नहीं करना। अब इतनी प्याज जो है इसमें हम मसाले भूनेंगे। अब एक ही करके आपको हम मसाले दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, इसको थोड़ा भूनेंगे। अदरक लहसुन का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए उसके बाद में हम दूसरे मसाले डालते हैं। ये बाद में कलेजी को हमें ज़्यादा मसाले के साथ पकाना नहीं, सिर्फ पहले मसालों की कच्ची भू हमको ख़त्म करनी है और तभी हमको फिर उसमें कलेजी ऐड करनी है। अब हम इसमें ये मसाले डाल देते हैं, इसमें हम गरम मसाला बचा लेते हैं और बाकी के मसाले डाल देते हैं। धनिया, हल्दी, काली मिरी, कश्मीरी मिर्च और मिक्स मसाला हमने इसमें बचा लिया है, थोड़ा गरम मसाला हमारा, इसको हम बाद में डालते हैं। कलेजी का ही पानी छूटेगा, फिर मसाले जो हैं हमारे अच्छे से पकेंगे। अभी हमको क्या करना है, दही डाल देना है इसके ऊपर। दही भी जो है हमारा साथ में कलेजी को लग के कलेजी को अच्छा बना देगा, टेस्टी बना देगा। अब इसको हम ढक के रखते हैं और 5 मिनट इसका पानी जो है वो निकलने देते हैं, छूटने देते हैं, उसके बाद में फिर भूनते हैं इसको। 5 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं।
नाजरीन इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये जो है काफ़ी इसका पानी भी रिलीज हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम भूनते हैं, ऐसे से ये लग रहा है। थोड़ा आज को हम फास्ट करके इसको अच्छे से भून लेते हैं, इसका पानी जो है ड्राई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नाजन ये हमारा जो है कलेजी का जो है मसाला अभी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हरे मसाले जो हमने काट के रखे हैं यानी कि धनिया पुदीना वगैरह, वो थोड़ा डाल देते हैं, थोड़ा गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। मिर्चें भी थोड़ी डालते हैं, गरम मसाला भी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं, अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। और जो हमने प्याज बचाई थी वो भी अभी हम इसके अंदर डाल, जो प्याज हमने शुरू में निकाल ली थी ना हाफ फ्राई करके, वो अब जो है इसमें डाल। अब हमें नमक मिलाना है इसमें, क्योंकि अभी जो हमारी कलेजी पक चुकी है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। अब 2 मिनट के लिए इसको बंद करके और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। अब नमक हमको मिलाना है तो हम अपने हाथों से ही नमक डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदाजे से हम नमक डाल रहे हैं, इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। नाजरीन इसको हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, नमक डाल दिया है, अब सिर्फ इसको 1-2 मिनट के लिए बंद करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। अभी ढक्कन लगा देते हैं हम, सिर्फ उसका ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। नाजरीन ये ऑयल भी सेपरेट हो गया है, कलेजी बहुत अच्छी गल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम थोड़ा सारा धनिया और पुदीना इसमें मिलाते हैं और इसको डिश आउट करते हैं, थोड़ा सा रख देते हैं फिर गार्निशिंग के लिए, थोड़ा मिक्स करते हैं। मिर्ची अभी नहीं मिलाते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगी तो नहीं होगा, और बाद में अगर किसी को लगी तो ऊपर डाल के दे देंगे। अभी गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट कर देते हैं। लीजिए नाजरीन, हमने ये कलेजी जो है ये निकाल ली है अपनी बहुत प्यारी सी कढ़ाई में, छोटी सी। अब इसको हम क्या करते हैं, हरे धनिया से, पुदीने से और मिर्च से जो है गार्निश करते हैं। ये थोड़ा सा हरा धनिया डाला हमने, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, और ये जो हमारे पास है मिर्ची, मोटी मोटी कटी हुई मिर्चें हैं, ये भी हम डाल देते हैं इसके ऊपर। और ये नींबू है, ये भी रख देते हैं। तो ये हमारी जो है बहुत ही अच्छी सी, बहुत प्यारी सी और बहुत टेस्टी कलेजी जो है तवा फ्राई तैयार है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ईद के मौके पर सुबह नाश्ते में आप बना सकते हो, ईद में बना सकते हो, बकरीद में बना सकते हो, या अगर कोई मेहमान आए तो नाश्ते में आप बना के दे सकते हो। झटपट अगर जल्दी हो तो जल्दी में भी आप ये डिश जो है तैयार कर सकते हो, सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपकी डिश जो है तैयार हो जाएगी और बहुत चटपटी और सबको पसंद आने वाली है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।